तो ये हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम जो ट्रेन की टिकट होती है, अगर हम उसको IRCTC से बुक करते हैं तो उसको कैंसिल कैसे करें। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको ट्रेन की टिकट कैंसिल कैसे करते हैं, उसका पैसा कैसे कितने दिन में रिफंड आ जाता है वो बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। तो अब हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले हम IRCTC का जो ऐप है उसको ओपन कर लेते हैं। अभी ये ओपन हो रहा है, ओपन होने देते हैं। ओपन होने के बाद हमको सबसे पहले अपनी माई बुकिंग में जाना, जो हमने बुकिंग की थी उसमें जाने के बाद अपना जो आपका पासवर्ड है उसको डाल देना, कैप्चा एंटर कर देना। कैप्चा एंटर करने के बाद आपकी जो अभी खुल रहा है कैप्चा डाल के खुल जाएगी आपकी जो आईडी इनवैलिड। एक सेकेंड, तो ये हमने कैप्चा भर दिया। अब जो हमारी ट्रेन की टिकट बुक की थी वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई होने देते हैं। उसके बाद हमको दोबारा से माई बुकिंग में क्लिक करना है। उसके बाद जो टिकट बुक की थी उस पर क्लिक करना है, जो हमने 16 तारीख को बुक की थी, आज 19 तारीख को जो हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं। सबसे पहले हमको इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर जो 3 डॉट दिख रहा है, हमको सबसे पहले ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे क्लिक कैंसिल करते हैं टिकट को। सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करें, तो ये देखिए हमने की थी। अब यहाँ पर लिखे आ रहा है कैंसिल टिकट, कैंसिल टिकट पर क्लिक कर देना। उसके बाद सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे ऊपर स्क्रीन को थोड़ा अप करोगे, उसके बाद यहाँ डन, यहाँ पर कंफर्म आ गया। कंफर्म होने पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये कंफर्म होने के बाद जब क्लिक हो जाएगा तो आपके यहाँ पर लिख के आ जाएगा टिकट कैंसिल। ये देखिए दिखाई दे रहा है कैंसिल्ड, तो जो हमारी टिकट है वो मतलब कैंसिल हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर सब मतलब 295 रुपये की टिकट थी और 200, तो आपकी जीमेल पे भी मैसेज आएगा और आपको डायरेक्ट भी मैसेज आ जाएंगे कि आपकी टिकट जो है वो कैंसिल होगी। देखिए सब मैसेज आ रहे हैं मेरे स्क्रीन पर। ये देखिए PNR नंबर आ गया, कैंसिल आ गया, मतलब आप मैसेज देख भी सकते हो। जो मैसेज आई देखिए 590 की टिकट थी और 590 की टिकट ये नहीं है, एक सेकेंड, ये बैग जाते हैं अभी हम, अब बैग चले जाते हैं, एक सेकेंड। हाँ ये कैंसिल लिख के आ गया 16 अगस्त का। अब यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए रानीखेत स्पेशल, तो ये कैंसिल हो गई। निखिल सिंह के नाम से टिकट बुक करी थी और आज हमने कैंसिल कर दी। तो मतलब 295 रुपये की टिकट बुक हुई, तो 235 रुपये, मतलब 60 रुपये कट हो गए, लेकिन जो हमारी टिकट थी वो कैंसिल हो गई। तो इस तरह से हम अपनी जो टिकट है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।